चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की निकटवर्ती ऑर्बिट में पहुंचा। आज आखिरी ऑर्बिट में एंट्री करेगा चंद्रयान। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी। आज दिया जाएगा खास ऑपरेशन को अंजाम। 23 अगस्त को चांद की सतह पर होगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। करीब 5:30 बजे लैंडर चांद की सतह पर करेगा लैंड। आज और कल यानी 16 और 17 अगस्त का दिन चंद्रयान 3 के लिए बेहद खास। आज बदला जाएगा चंद्रयान 3 का ऑर्बिट। सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान को 100 किलोमीटर की ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को चंद्रयान की डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर करेगा लैंड। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम विक्रम और प्रज्ञान। सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। उत्तराखंड में आज मौसम विभाग का अलर्ट है। पहाड़ के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लैंडस्लाइड वाले इलाके में अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीमें। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। खराब मौसम की वजह से प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान, आपदा के दौरान 24 घंटे में 60 लोगों की गई जान। लैंडस्लाइड वाले इलाके से खाली कराए जा रहे हैं घर। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रही सेना। शिमला, फतेहपुर समेत कई इलाकों में सेना पहुंचा रही राहत सामग्री। बोट के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही है सेना। शिमला में आपदा प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। रेस्क्यू में चिनुक हेलीकॉप्टर की ली गई मदद। एक ही उड़ान में 18 जवान और 3 टन सामान किया गया एयरलिफ्ट। शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से अब तक 12 लोगों के शव बरामद हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया। कांगड़ा जिले के मंडी क्षेत्र में बाढ़ से फंसे लोगों की मदद कर रही है सेना। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए ली गई हेलीकॉप्टर की मदद। एनडीआरएफ टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मधमहेश्वर धाम के बड़तोली में रेस्क्यू अभियान जारी है। पर्यटक और श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे निकाला गया। भारी बारिश की वजह से फंस गए थे यात्री। चमोली में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन। पीपलकोठी गांव के पास सड़क पर गिरा मलबा। राहगीरों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। शिमला के कृष्णा नगर में स्लॉटर हाउस के पास हुआ भूस्खलन। विष्णु मंदिर क्षेत्र में भी लैंडस्लाइड। 4 से 5 मकानों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश की वजह से गिरा घर। हादसे के समय में मौजूद थे 7 लोग। रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों को निकालकर पहुंचाया अस्पताल। बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। मधमहेश्वर घाटी में भारी बारिश से पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल बहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। 52 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बागढ़ डैम में पानी का जलस्तर बढ़ने पर सतलुज दरिया में डिस्चार्ज किया गया पानी। 77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सतलुज किनारे बसे गांव में आई बाढ़। दिल्ली में फिर से बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा है 40,000 क्यूसेक पानी। दिल्ली में यमुना का डेंजर लेवल 205.33 मीटर हुआ। पहाड़ों में हो रही बारिश से बिजनौर में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर। इलाके के कई गांव में आई बाढ़। किसानों के खेतों में खड़ी फसलें भी पानी में डूबी। गंगा के पानी की वजह से बिजनौर में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मुख्य मार्गों से लेकर लिंक मार्गों तक पर कई फीट पानी। लोगों को हो रही आवाजाही में दिक्कत। होशियारपुर के पोंग डैम की महाराजा प्रताप झील में बढ़ा पानी का जलस्तर। ब्यास नदी में छोड़ा गया पानी। नदी से लगते इलाके में जारी किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में अपार्टमेंट में लगी आग। मची अफरा तफरी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में आग का तांडव। रिहायशी इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। एक बुजुर्ग की झुलसने से मौत। एक महिला का रेस्क्यू। आग पर पाया गया काबू। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा हो गया। बांके बिहारी मंदिर के पास मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। एक दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोग।
मथुरा हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने हादसे को बताया दुखद घटना, कहा हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और मैं उन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश करूंगी। आज से शंकराचार्य मंदिर में होगा छड़ी मुबारक अनुष्ठान, रवाना हुआ दशनामी अखाड़ा, 26 अगस्त को अमरनाथ गुफा के लिए होगी रवाना, अंतिम पड़ाव पर है ये यात्रा। दिल्ली में आज से आम लोगों के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, पहली बार एक साल के बाद दोबारा खुला गया उद्यान, 18 सितंबर से किया जाएगा बंद। IRCTC घोटाले मामले में आज सुनवाई, लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए लगा था घोटाले का आरोप, रेलवे होटल के टेंडर से जुड़े IRCTC घोटाले का मामला। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के पास तोड़फोड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, याचिकाकर्ता ने रेलवे के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ को लेकर आज शाम 5 बजे होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता देंगे वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि, सुबह 7:15 बजे स्मृति स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। आज से बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, संसद से मिली सेवा बिल पास होने के बाद बुलाया गया विधानसभा सत्र। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज अस्थायी रूप से 2 दिन के लिए बुलाया गया है सत्र, जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जा सकते हैं सत्र की अवधि, दिल्ली सर्विस बिल को लेकर हंगामे के आसार हैं। मोदी सोने मामले में आज रांची के MP MLA कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, मानहानि मामले में सुनवाई में स्पेशल कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई थी रोक। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, मॉनसून सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे रखी गई है मीटिंग। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन करेंगी पार्वती दास, भाजपा ने मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को बनाया प्रत्याशी, चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सांसद ने पीएम के विजन की तारीफ की, कहा आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक 2047 तक पीएम मोदी का भारत को विकसित बनाने का विजन बहुत ही तारीफ के लायक है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, वो केवल लोकतंत्र की बात करते हैं, उनके भाषण में दिखता है अहंकार। RJD सांसद मनोज कुमार झा ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी ने बहुत देर बाद अब मणिपुर का किया है जिक्र, उम्मीद के साथ न्याय दिलाने का कमिटमेंट होना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा क्या मोदी जी ने जिन 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करा रही है वो सभी राक्षस हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने खरगे के बयान पर कहा खरगे ने जो कहा वो सच होने जा रहा है, बीजेपी ने महाराष्ट्र में घोटाले का आरोपी बताने वालों को जेल भेजने की बजाय मंत्री बना दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर AIADMK नेता के सात्यान ने कहा खड़गे को अपने आवास पर ही झंडा फहराने का अनुभव, इसलिए दूसरों को वो यही उम्मीद रखते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार, कहा खड़गे वंशवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पास परिवार मुताबिक चलाने के समाचार नहीं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में गैर मौजूदगी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा राष्ट्रीय पर्वों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का खड़गे पर निशाना, अगर आंख में दिक्कत है तो दिखवाएं, शायद परिवार के नियंत्रण वाले कार्यक्रम में गए इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं जा पहुंचे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान आज भारत को पसंद नहीं करने वाले जैसे विदेश और पड़ोसी देशों में बैठे हैं, वैसे ही देश में भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश को पसंद नहीं करती। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल पर हमला करते हुए जिस दिन सेवा का नियंत्रण उनके पास आया उसी रात भ्रष्टाचार की जांच करने वाले विभाग ने रात में ताला तोड़कर फाइलें गायब की।
समाजवादी पार्टी की यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी। आज से प्रशिक्षण शिविर को फिर शुरुआत किया उसकी। बांधा, फतेहपुर और फिरोजाबाद में आयोजन है। अखिलेश कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। बिहार के मंत्री अशफाक आलम ने स्वतंत्रता दिवस को बोल गए गणतंत्र दिवस। बक्सर के किला मैदान में हुआ था समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे अशफाक आलम। मध्य प्रदेश में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में एमपी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की तबीयत हुई खराब। मौजूद लोगों ने संभाला। रीवा में कार्यक्रम के दौरान पड़े बीमार। भारत चीन के कॉर्प्स कमांडर की हुई बैठक। 19वें राउंड की बैठक में एलएसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बीते मार्च में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मीटिंग में तय बिंदुओं के तहत चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार शाम राष्ट्रपति भवन में रखा एट होम रिसेप्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार शाम देश में कई जगह रखा गया एट होम रिसेप्शन। केरल में भी हुआ आयोजन। राज्यपाल ने राजभवन में रखा था रिसेप्शन। कई अहम लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में दी पार्टी। कोलकाता में हुई आयोजन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सेना के अधिकारी हुए शामिल। मुरारी बापू की रामकथा में पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने लगाए जय सियाराम के नारे। संबोधन में कहा हिंदू धर्म उनके जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन करता है। भारतीय सेना ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक जाने वाले लॉजिस्टिक ड्रोन से हुई लैस। सेना को सप्लाई में होगी आसानी। रक्षा अधिकारी के मुताबिक अच्छे सर्विलांस के लिए इंडियन आर्मी के पास आरपीएएस भी मौजूद। भविष्य के खतरों को देखते हुए भारी सेना की बड़ी तैयारी। फ्यूचर रेडी और तेज तरार आर्मी के लिए कई अहम फैसले। बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ड्रोन काउंटर, ड्रोन सिस्टम से होगी लैस। जम्मू कश्मीर में आतंकी इरशाद अहमद के भाई बशीर अहमद ने तिरंगा फहराने के बाद की अपील। पीओके में मौजूद बशीर को सुरक्षित लाया जाए। भारत देश को मजबूत करने के लिए साथ काम करना होगा। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को मिली आजादी। अच्छे आचरण की वजह से इंदौर सेंट्रल जेल से 22 कैदियों को रिहा किया गया। इनमें 19 कैदी काट रहे हैं उम्र कैद की सजा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले का किया दौरा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले कोठी करनौर पुल का किया उद्घाटन। झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने लोक गायक और गीतकार गदर को किया याद। उनके घर पहुंचे कंगो श्रद्धांजलि दी। गदर का 6 अगस्त को हुआ था निधन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्रह्मपुत्र स्टेट में गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। राज्य में एक और गेस्ट हाउस बनाने की अपील। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में सीमावर्ती गांव के लोगों से की मुलाकात। कई राज्यों से आए सरपंच हुए शामिल। कहा अब सीमावर्ती गांव को कहा जाता है वाइब्रेंट गांव। एमपी के इंदौर में तिरंगा यात्रा के दौरान पेट्रोल बम से हमला। डीजे में लगी आग। वारदात के बाद फरार हुए बाइक सवार बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गोवा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से तोड़फोड़ के बाद बवाल। मौके पर नाराज लोगों ने किया हंगामा। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। मवेशी तस्करों ने एसएचओ के सिर में गोली मारी। इलाज के दौरान थाना प्रभारी नंद किशोर यादव की मौत हुई। समस्तीपुर छापेमारी के दौरान पकड़े गए एक तस्कर से पूछताछ जारी है। वारदात में शामिल 4 और आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। मौके से मवेशी और कारतूस बरामद। बिहार में एसएचओ की हत्या पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। कहा बिहार में जंगल राज पार्ट 2 स्थापित हो चुका है। यूपी के बरेली में विवादित फेसबुक पोस्ट करने पर हंगामा। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। मुहर्रम का बताया जा रहा है विवादित वीडियो। बिहार के बेतिया के एक स्कूल में छात्र ने लहराया इस्लामिक झंडा। लगाया आपत्तिजनक नारे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। हिरासत में लेकर आरोपी से हो रही है पूछताछ।
समस्तीपुर के एसपी ने बताया छापेमारी के दौरान पकड़े गए थे 3 तस्कर और 1 ट्रक और पिकअप। पूछताछ के आधार पर छापेमारी करने गए थे थाना प्रभारी, तभी अपराधियों ने बोला हमला। राजस्थान के जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस से हुए विवाद के बाद युवक ने इंस्पेक्टर की गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक समेत पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर पर फायरिंग, पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी ने खुद को मारी गोली, बदमाश की हुई मौत। हरियाणा की नूह पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को किया गिरफ्तार, गौ रक्षक बिट्टू बजरंगी पर नूह में दंगा भड़काने का है आरोप, सामने आया गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज। पटना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जानवरों से भरी ट्रक को पकड़ा, ड्राइवर खलासी, मौके से फरार, तस्करी के लिए ले जा रहे थे 65 पशुओं को किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के डूंगरपुर से विदेश भागी 2 बच्चों की मां, प्रेमी के साथ कुवैत पहुंची दीपिका, मुस्लिम युवक पर ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का पति ने लगाया है आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में आबकारी विभाग ने ढाबे पर की छापेमारी, स्वतंत्रता दिवस के दिन ड्राई डे होने के बावजूद परोसी जा रही थी शराब, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पिकनिक मना रहे दोस्तों की डूबने से मौत, एक युवक की लाश बरामद, 2 लापता की तलाश जारी, बंद पड़े खदान में नहाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के प्रतापगढ़ में प्राइवेट अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हंगामा हो गया, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए, मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती की।